आपने ध्यान दिया, औरत के बाल खिड़की के बाहर से आती हुई हल्की गर्म हवा में नृत्य कर रहे थे, मगर उसकी आंखों में तो मानो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या ये डिप्रेशन में है? मन ही मन केशव सोचने लगा, या फिर कोई हादसा हुआ है। केशव के दिमाग में तरह तरह के सवाल उमड़ने लगे, दिमाग में जैसे एक दबाव सा बनने लगा। यूं तो देहरादून से हरिद्वार का सफर करीब 1.5 घंटे का था, मगर उस मानसिक उधेड़बुन में सफर तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।